स्वागत है आपका मेरी चैनल ऑल इन बन ग्रो पर। आज हम बनाने वाले हैं शाही शक्कर पारे। ये शक्कर पारे देखने में जितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं, बनाने में भी आसान है। चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे। चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। 2 कप मैदा लिया है, घी लेंगे 1/4 कप। घी को हमने हल्का सा गरम कर लिया है, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इस प्रकार मुट्ठी बांध के देखेंगे तो देखिए मुट्ठी बन रही है आराम से, हमारा मोइन परफेक्ट है। अब हम डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम डो तैयार करेंगे। डो हमें एकदम सख्त लगाना है। डो हमारा इकट्ठा हो गया है, हमें इसे एकदम चिकना बनाना है, तो इस प्रकार हम नीचे रखकर इसे गूंथेंगे अच्छे से, इससे कि अच्छे से चिकना हो जाए। जितना अच्छा डो तैयार होगा शक्कर पारे उतने ही अच्छे तैयार होंगे। देखिए डो हमारा एकदम तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब हम शक्कर पारे के लिए चाशनी तैयार करेंगे। शक्कर पारे बनाने के लिए हम 2 कप चीनी लेंगे। दो कप चीनी ली है हमने, 1 कप पानी लेंगे। हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। चीनी हमारी घुल गई है, चाशनी में बबल्स आने चालू हो गए हैं। अब हम इलायची पाउडर लेंगे। मिक्स कर देंगे इसे। अब चाशनी को हम चेक करेंगे। 1 बाउल में चाशनी लेंगे। चाशनी को हल्का सा ठंडा होने देंगे जिससे हमें पता चल सके कि हमारी चाशनी में तार बन रहा है कि नहीं। चाशनी में तार अभी नहीं बन रहा है, हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। चाशनी को हमने 5 मिनट पका लिया है, अब हम इसे चेक करेंगे, ठंडा होने देंगे। देखिए चाशनी में हमारी तार बनने लगा है। चाशनी हमारी तैयार है, अब गैस बंद कर देंगे, ढककर इसे साइड में रख देंगे। शक्कर पारे के लिए हमें गर्म चाशनी चाहिए, इसलिए इसे ढककर रखेंगे। आटा देख लेते हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया है, देखिए कितना बढ़िया चिकना हो गया है। अब हम लोई तोड़ेंगे। लोई हमें रोटी जितनी तोड़नी है, जितनी रोटी बनाते हैं उतनी ही लोई बनानी है हमें। देखिए
देखिए लोई बना के तैयार कर ली है। अब हम इसे बेलेंगे। हमें एकदम पतली शीट बनानी है। देखिए कितने आराम से बिल रही है, मैदा या घी लगाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए हमने इसे इतना पतला बेला है। अब हम इसे काट लेंगे। आप चाकू या पिज्जा कटर की मदद से आप इसे काट सकते हैं। मैदा रोस्ट करेंगे हल्का सा। पलट लेंगे इसे। दोनों साइड अच्छे से मैदा लगा लेंगे हम। अब पतली पतली लेयर काटेंगे। हमें इसे बीच में काटना है, किनारे नहीं काटने चाहिए। इस प्रकार पतली पतली लेयर काट लें। पानी लगा लेंगे चारों साइड, जिससे हमारी लेयर अच्छे से चिपक जाए, खुले ना। फोल्ड करेंगे इसे। अच्छे से दबा देंगे। पानी लेंगे। एक बार और इसे पलट देंगे। अच्छे से दबा देंगे जिससे ये खुले ना। देखिए हम बीच में से लेयर बना लेते हैं। एक साइड से हमें पत्ती की शेप देना है। इस प्रकार इकट्ठा कर देंगे। हल्का सा हम इसे तोड़ देंगे। देखिए कितने बढ़िया तरीके से डिजाइन बन गई है। पानी लेंगे। इस साइड से फोल्ड कर देंगे। बीच में से हमें से इस प्रकार निकाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसे भी अच्छे से इस प्रकार दबा सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया पत्ती का शेप बन के तैयार हुआ है। इसी प्रकार सभी को बना के तैयार कर लेंगे। शक्करपारे हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है। गैस हमने मीडियम कर रखी है। ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालना है, हल्का सा गरम हुआ है तेल। शक्करपारे डाल देंगे। देखिए शक्करपारे की लेयर कितनी बढ़िया खुलने लगी है।
हम इन्हें धीमी आंच में सेकेंगे। शक्करपारे सीख गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमने इन्हें धीमी आंच पर सेका है, देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन आई है। बची हुई शक्करपारों को भी डाल देंगे। शक्करपारे सिक गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देंगे। शक्करपारों को गरम चाशनी में डालेंगे। ज़्यादा देर हमें चाशनी में नहीं डालना है, बस निकाल लेंगे एक मिनट डालकर। सभी शक्करपारों को चाशनी में डालकर निकाल लेंगे। देखिए शक्करपारे बनके तैयार है। थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया पत्ती की डिज़ाइन बनी हुई है, देखने में कितनी खूबसूरत है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।